अमरवाड़ा विधानसभा सीट में उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख तय कर दी गई है। 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की सबसे महत्वपूर्ण सीट पर मतदान होना तय हुआ है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की सबसे महत्वपूर्ण अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। यहां कांग्रेस ने पर्यवेक्षक के माध्यम से उम्मीदवार का चयन करने का मन बनाया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अमरवाड़ा के पूर्व विधायक कमलेश प्रताप शाह को मैदान में उतार सकती है। इसके लिए बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि बुधनी को छोड़कर 6 उम्मीदवार कांग्रेस से होंगे, असली उम्मीदवार तो हम घोषित करेंगे। वहीं नायक ने कहा कि हम दमदार प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। बीजेपी का कैंडिडेट कहाँ है? वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसका नाम अनाउंस किया है। ये तो असली उम्मीदवार तो अब घोषित होगा जब कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, वो ओरिजिनल कैंडिडेट हो। अगर आप बुधनी चुनाव को छोड़ दें तो बाकी जो 3 उपचुनाव होने वाले हैं, इन 3 उपचुनाव में जो 6 उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं, ये 6 के 6 कांग्रेसी नेता रहेंगे। इसके पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है मध्य प्रदेश की राजनीति में, जब 22 लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे, उनको टिकट दिया बीजेपी ने, वो कांग्रेस के MLA थे। उसके बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, वो भी कांग्रेस ही थे। यानी 44 के 44 कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।